तो किड्स ऑन पेज नंबर 66, आज हम पेज नंबर 66 पर टुडे और टॉपिक इज वोकैबुलरी ऑफ लेटर जेड। आज जो हमारी वोकैबुलरी है वो लेटर जेड की है एंड ऑल्सो आज हम वोकैबुलरी जेड में देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को। नाउ फर्स्ट लुक, दिस इज़ नंबर ज़ीरो, ये नंबर ज़ीरो है, दिस इज़ नंबर ज़ीरो। ज़ीरो 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 मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ज़ीरो नंबर से पहले आए तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन अगर ये नंबर ज़ीरो नंबर के बाद में आए तो ये उस नंबर की भी वैल्यू बढ़ाता जाता है। सो अभी हमारे पास ये सिर्फ एक ज़ीरो है, सो ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट लुक किड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल ज़ेब्रा, ज़ेब्रा दिस इज़ ज़ेब्रा, दिस इज़ ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को उर्दू में भी ज़ेब्रा कहते हैं और ज़ेब्रा चिड़ियाघर में रहता है और ज़ेब्रा जंगल में भी रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है, इसके ऊपर धारियाँ होती हैं, कौन कौन से कलर की, ब्लैक एंड वाइट में, काले और सफ़ेद रंग में। ये बहुत ही खूबसूरत सा होता है और इसे क्या किया जाता है, ज़ू में भी रखा गया है। जब हम ज़ू में गए थे लाहौर तो हमने इसे देखा था, ये बहुत ही खूबसूरत सा है और इसे ज़ेब्रा कहते हैं। सो किड्स, द ज़ेब्रा एंड ज़ीरोज हैज़ बिगनिंग साउंड, द ज़ेब्रा एंड ज़ीरो हैज़ बिगनिंग साउंड एंड द बिगनिंग साउंड इज़ लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज। Z's a zebra, Z's a zero, Z's a zebra, Z's a zero. So kids, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक एनिमल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है? जी ये ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा है। ये कौन सा एनिमल है? ये ज़ेब्रा है। So kids, looking down, ये कुछ लाइंस हैं जो ऊपर और नीचे की जानब बहुत ही रफ़ सी लगी हुई हैं, लेकिन इन रफ़ लाइन को क्या कहा जाता है? इन रफ़ लाइंस को ज़िगज़ैग कहा जाता है, इन रफ़ लाइंस को ज़िगज़ैग कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस हैं, इन्हें ज़िगज़ैग कहा जाता है। इन लाइन को क्या कहा जाता है? इन लाइंस को ज़िगज़ैग कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई हैं। सो किड्स, ज़िगज़ैग लाइंस एंड ज़ेब्रास हैज़ बिगनिंग साउंड, इनकी भी बिगनिंग साउंड है एंड द बिगनिंग साउंड इज़ लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज। लुक, दिस इज लेटर जेड साउंड ज, ये लेटर जेड साउंड ज है। कैपिटल लेटर जेड, स्मॉल लेटर जेड और इनकी साउंड ज है। कैपिटल लेटर जेड, स्मॉल लेटर जेड और इनकी साउंड ज है। सो किड्स, चले अब हम बुक की जानब चलते हैं और मज़ीद बुक में से देखते हैं कि हमारे लिए कौन से काम हैं। चले तो बुक की जानब। सो किड्स, बुक के ऊपर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा काम है और ये काम क्या है? ऑन पेज नंबर 66, आज जो हमारा काम है वो पेज नंबर 66 पर है। किस पर है? पेज नंबर 66 पर। किड्स लुक, आज हम पेज नंबर 66 पर वोकैबुलरी ऑफ लेटर जेड की कौन कौन से वर्क है आज हमारे पास? आज हमारे पास है रीड, आज हमने पढ़ना है, ट्रेस हमने पेंसिल फेरनी है, कलर हमने कलर्स करने हैं, सर्कल फिर हमने बाद में क्या करना है, सर्कल भी करना है। सो किड्स लुक, दिस इज़ ज़ेब्रा, दिस इज़ ज़ेब्रा एंड दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो। ज़ीरो को उर्दू में भी ज़ीरो ही कहते हैं और इसे सिफर भी कहा जाता है। जी तो प्यारे बच्चों, ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। एंड दिस इज़ ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा है और ज़ेब्रा बहुत ही खूबसूरत सा जानवर होता है। जी ये बहुत ही तेज़ दौड़ता है। और किड्स लुकिंग डाउन, नीचे देखें, ज़िगज़ैग लाइंस, दिस इज़ ज़िगज़ैग, दिस इज़ ज़िगज़ैग, ये ज़िगज़ैग लाइंस हैं, इन्हें ज़िगज़ैग लाइन का नाम दिया गया है। इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं पर यहाँ पर जो कलर है वो ज़िगज़ैग में कौन सा कलर है? ब्लैक एंड वाइट कलर है, यानी काला और सफ़ेद रंग है। सो किड्स, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज़ीरो, ज़ेब्रा और ज़िगज़ैग को देखा। सो क्या आप जानते हैं कि ज़ीरो, ज़ेब्रा और ज़िगज़ैग की बिगनिंग साउंड क्या है, यानी इनकी शुरू की आवाज़ क्या है? सो द ज़ीरो, ज़ेब्रा एंड ज़िगज़ैग बिगनिंग साउंड इज़ लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज। सो लुक, दिस इज़ लेटर जेड साउंड ज, लेटर जेड साउंड ज। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग लेटर जेड साउंड ज। Thank you.
साउंड ज। सो किड्स नेक्स्ट वर्क इज कलर्स। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। सो ज़ेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। मैं एग्जांपल उन्होंने दी थी, जैसे उन्होंने ब्लैक ब्लैक धारियों में इसकी कलर किया था, इसी तरह हमने भी क्या करना है, उसकी लाइंस में ब्लैक ब्लैक कलर करना है। सो किड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ज़ेब्रा में कलर किया। सो मूव ऑन नेक्स्ट ऑल्सो एक्टिविटी। सर्कल द ऑब्जेक्ट विच बिगेंस विद लेटर जेड। सो द फर्स्ट इज ज़ेब्रा। सो ज़ेब्रा स्पीकिंग साउंड इज सर्कल। नाउ द नेक्स्ट इज एलिफेंट। सो एलिफेंट स्पीकिंग साउंड इज ए। सो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। मूव ऑन नेक्स्ट ऑल्सो पेज नंबर 67। ऑन पेज नंबर 67 टॉपिक इज वोकैबुलरी ऑफ लेटर जेड साउंड ज। एक्टिविटी नंबर 2 इज मैच ज विथ करेक्ट पिक्चर। हमने मैच ज करना है विथ करेक्ट पिक्चर को। सो द फर्स्ट इज जिप। सेकेंड इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा स्पीकिंग साउंड इज ज। नेक्स्ट इज वॉच। सो वॉच स्पीकिंग साउंड इज व। सो नेक्स्ट इज zigzag. So zigzag speaking sound is z. Now match with zigzag. Next is watermelon. So watermelon speaking sound is v. So हम इसे match नहीं करेंगे. Next is fox. So fox speaking sound is f. So हम इसे भी match नहीं करेंगे. So z for zip, z for zebra, z for zigzag. So फिर सबने matching को complete किया. Next work is coloring. So let's start coloring. So हम इसमें colors करेंगे. हमें zigzag में yellow color करेंगे. साथ साथ पढ़ेंगे. Yellow zigzag, yellow zigzag, yellow zigzag. हम किन में कलर कर रहे हैं, zigzag में। zigzag की कैसी लाइंस होती हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि zigzag की कैसी लाइंस होती हैं? जी बिल्कुल ऐसी, ऊपर नीचे की जानिब की। द zigzag, ज zigzag, ज zigzag. So next, look, Zephyr, zigzag lines. So kids, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने zigzag lines में कलर किया. Next work is tracing. So letter Z sound, Z, 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 letter Z sound, Z. Letter Z sound Z. So kids, page number 67 is done. I hope you enjoyed this lesson. और आपने इसकी वोकैबुलरी भी देखी. सो आपने क्या करना है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे खोलना और घर में इसकी रीडिंग करनी है. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.